हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटवे एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जो हमारी अभी वैकेंसी निकली है, जो हमारा अभी जयन की वैकेंसी निकाली है RSM SSB ने, उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, उसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट उसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, जो हमें पढ़ना है अच्छे से। एंड पढ़ने के बाद में हमें कुछ इसके MCQs, जो हमारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या कंटेंट जो है RSM SSB के अंदर इसने प्रोवाइड करवा रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एस्टीमेट के बारे में। एस्टीमेट क्या होता है, कितने टाइप के एस्टीमेट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है एस्टीमेट। तो एस्टीमेट के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट हमें क्यों निकालना होता है, कितने टाइप के एस्टीमेट होते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये सब कुछ हम डिटेल से इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारा एस्टीमेट क्या होता है, कितने टाइप के एस्टीमेट होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो कितने MCQs बनेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे जो है वो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो MCQ के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा एस्टीमेट है, उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, कि जो भी हमारे टेक्निकल टर्म्स है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और हमारा जो थर्ड है वो है एनालिसिस ऑफ रेट। तो जब हम कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका एनालिसिस करेंगे रेट्स का, कि इस कंस्ट्रक्शन को हमें करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके अंदर हमें कितना जो है वो जो है मनी लगेगी, कितना इसके अंदर जो है अमाउंट हमें इसमें करना, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे एनालिसिस करना होता है रेट्स का, कि इसके अंदर कितने लेबर्स वगैरह लगेंगे, ये सब कुछ हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है एनालिसिस ऑफ रेट के अंदर। इसके अंदर मटेरियल भी हम जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये सब हमको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म हम एस्टिमेट के बाद में पढ़ेंगे, एंड देन एनालिसिस ऑफ रेट इसके बाद में पढ़ेंगे। हमारा फोर्थ टॉपिक आता है मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है, चाहे लेंथ में हो, चाहे हमारा एरिया वाइज हो, चाहे वॉल्यूम वाइज हो, उसकी क्या यूनिट्स होती है। जैसे कोई हम अर्थवर्क कर रहे हैं फाउंडेशन के अंदर, तो उसका क्या यूनिट होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम करेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं, सेंट्रल लाइन मेथड होता है हमारा, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है, तो ये सब कुछ हम इसके डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी हमें अच्छे से क्लियर करना, इसके ऊपर बहुत अच्छे MCQs आते हैं, वो भी हमें अच्छे से यहाँ पर क्लियर करना है। अब हमारे पास में फिफ्थ टॉपिक आता है, वो आता है आइटम ऑफ वर्क, कि हमारे पास में क्या वर्क्स है, जैसे अर्थ वर्क हो गया, ठीक है, ब्रिक वर्क हो गया। ब्रिक वर्क के अंदर हमारे जो ब्रिक्स है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मॉड्यूलर, एक होती है ट्रेडिशनल ब्रिक। इनकी क्या साइज वगैरह होती है, एक MCQ के अंदर कितनी ब्रिक्स आती है, चाहे मॉड्यूलर हो चाहे हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक हो, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो एंड फिर RCC वर्क है, ठीक है, फिर सटरिंग है। ठीक है, जब भी हम RCC वर्क करते हैं तो सटरिंग प्रोवाइड करवाते हैं फॉर्म वर्क, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। टिम्बर वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका क्या यूनिट होता है, मीटर होता है या मीटर स्क्वायर होता है या फिर मीटर क्यूब होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बाउंड्री वॉल पढ़ेंगे, ब्रिक बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ डिटेल से पढ़ना, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है, इनको वन बाय वन हम क्लियर करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाटर टैंक के बारे में एंड सेप्टिक टैंक के बारे में। ठीक है, क्या इसका रिटेंशन पीरियड होता है सेप्टिक टैंक का, क्या साइज रखनी होती है, ठीक है, क्या बफल वॉल्स होती है सेप्टिक टैंक के अंदर, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, इसको हम सोलर में बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल को, BBS बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कि जब भी हम कोई बीम में, कॉलम में या फुटिंग के अंदर जो भी हम स्टील बार्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें कितना डिग्री एंगल पे उसको बेंड करना है, जो हम बार्स प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल्स। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू IS प्रोविजंस। ठीक है, फिर हमारा आता है सेंट्रल लाइन मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो है हम उसका एस्टिमेट निकाल, क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कि इसमें कितना मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाना है MCQ के अंदर। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे, सेंट्रल लाइन मेथड भी पढ़ेंगे। फिर हमारा आएगा मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रैपेज़ॉइडल फॉर्मूला एंड सिम्पसन फॉर्मूला। ठीक है, जो भी हम अर्थवर्क की कैलकुलेशन करते हैं, हमें क्वांटिटी जो है हमें डिटरमाइन करनी है, तो हम ये तीन फॉर्मूला लगाते हैं, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रैपेज़ॉइडल फॉर्मूला और सिम्पसन फॉर्मूला।
ये तीनों फॉर्मूलाज जो है हम डेरिव भी करेंगे और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं, एसएससी जेई के अंदर भी आ रखे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का सिलेबस है, अच्छे से हमें क्लियर करना है, ठीक है। और आगे जो हमारा है कॉस्ट ऑफ सेप्टिक टैंक, अगर हमें सेप्टिक टैंक बनाना है, ठीक है, सेप्टिक टैंक बनाना है या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बनाना है, कोई ट्यूब वेल बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए कितना हमें एस्टिमेट, मतलब कितना कॉस्ट इसके लिए आएगा, उसका हमें डिटेल से इसका जो है वो जो है हमें यहाँ पे स्टडी करना है। फिर ये आइसोलेट फूटिंग क्या होती है और कंबाइंड फूटिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कि हम स्टील ट्रस के बारे में, कि हमारा स्टील ट्रस क्या होता है, ठीक है, हमें स्टील स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा, पर्लिंस का डिज़ाइन करना, जो हमारी पर्लिंस होती है उसका डिज़ाइन करना, तो स्टील ट्रस के बारे में पढ़ाई इसमें करेंगे हम। फिर हमारा है पाइल फाउंडेशन या फिर पाइल कैप्स क्या होती है, पाइल्स क्या होती है, फाउंडेशन होती है जो डीप फाउंडेशन होती है हमारी पाइल होती है, ठीक है, तो पाइल के ऊपर पाइल कैप्स लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन जो हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो है वैल्यूएशन, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई होम लोन लेना है, ठीक है, तो होम लोन लेने से पहले एक इंजीनियर जो है, सिविल इंजीनियर हमारे घर पे आता है और कुछ मेजरमेंट्स करके जाता है कि इस घर के अंदर कौन सा मटेरियल लगाया गया है, ठीक है, या फिर ये वॉल है, इस वॉल के अंदर किस कौन सी मेजनरी कर रखी है, ठीक है, ब्रिक मेजनरी है या स्टोन मेजनरी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट लेके और करंट आज के टाइम में करंट ड्यूरेशन के अंदर क्या उसकी रेट चल रही है पर एम क्यूब में या पर मीटर स्क्वायर में या पर मीटर लेंथ में, उससे मल्टीप्लाई करके वो हमें पूरी बिल्डिंग का जो है वो क्या करता है, वैल्यू करके दे देता है कि आपकी जो ये बिल्डिंग है इतने वैल्यू की है, इतने रुपए की है, तो हम आपको इसका इतना परसेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो जो होता है उसे बोलते हैं वैल्यूअर बोलते हैं, ठीक है। तो जो जो हमारा जो होम लोन्स के बैंक्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यूअर होता है जो होम लोन्स के अंदर जो, ठीक है, तो वो हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो हम वैल्यू निकालेंगे एंड कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। हमें ये बताना चाहिए कि हमारा स्क्रैप वैल्यू क्या होता है किसी बिल्डिंग का, ठीक है। कुछ समय बाद में हमारी जो बिल्डिंग है वो स्क्रैप होने के कगार पर आ जाती है, तो हमारा जो है स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, सेल्वेज वैल्यू क्या होता है किसी बिल्डिंग का, किसी बिल्डिंग का असिस्ड वैल्यू क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, ये सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टेड हमारा सब्जेक्ट है वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो छोटा सा सिलेबस हमारे पास में है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, लगभग इसे हम इस सिलेबस को हम ये सारे के सारे टॉपिक्स लगभग हम 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ में हर वीडियो लेक्चर्स के एंड में कम से कम 5 से 7 MCQs जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने रहा है क्या, जो आज तक आ चुके हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हर वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेट की, कि ये डियर स्टूडेंट्स कि एस्टिमेट क्या होता है, हम क्यों एस्टिमेट निकालते हैं, एस्टिमेट निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा कि हमारा एस्टीमेट, कि एस्टीमेट क्या है, ठीक है, कि एस्टीमेट होता क्या है। तो देखिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन ये कह रही है टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स, ठीक है, टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। सपोज आपको एक रूम बनवाना है, रूम बनवाना है आपको, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम बनवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नींव की खुदाई करवाएंगे, मतलब सोइल को एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। तो कितना सोइल हमें वहां से खोद के बाहर निकालना है, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोइल को खुदाई करने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे अंदर की तरफ पीसीसी करवाएंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करवाएंगे, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, डीपीसी, ठीक है। एंड देन हमारा सुपर स्ट्रक्चर जो भी हमारा वॉल होता है वो, ये सब कुछ वहां पे हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, क्लियर। तो उसके अंदर कितना मटेरियल लगना है
उसकी उसको डिटरमाइन करना, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, वो सब कुछ क्या होता है, एस्टिमेट होता है। क्लियर? तो एस्टिमेट का डेफिनेशन क्या है, टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, कि हमें कितना रिक्वायर्ड है मटेरियल, ठीक है, हमें वहां पर कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट्स लगेंगे, कितना वाटर लगेगा, ये सब कुछ पहले डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। सो एस्टिमेट इज टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स और क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी हमारा रिसोर्स है, जैसे हमें सोइल को खोदने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, जेसीबी चाहिए या फावड़ा चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको डिटरमाइन करना, क्वांटिटी उनकी डिटरमाइन करना रिसोर्सेज की, मटेरियल्स की, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, तो वो कहलाता है एस्टिमेट। आई होप कि आपको एस्टिमेट की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब एस्टिमेट समझने के बाद में हम पढ़ते हैं कि एस्टिमेट के बाद में हमारा कॉस्टिंग क्या होता है, हमारा कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्टिंग ये होता है कि जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जो भी क्वांटिटी डिटरमाइन करी है, उस क्वांटिटी का करंट टाइम में क्या रेट मार्केट में चल रहा है। जैसे आपने सोइल के अंदर नीव की खुदाई करवा दी, नीव बनवाने के लिए, तो पर एम क्यूब के अंदर मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी के अंदर, तो उसकी रेट निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो जो रेट निकल के आती है उसे हम बोलते हैं कॉस्टिंग। तो यही हमने यहां पर कॉस्टिंग की डेफिनेशन लिखी है। कॉस्टिंग क्या होता है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी, जो भी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रेट से, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे। क्लियर? कि हमें इस बिल्डिंग के अंदर जो है इतना इतना जो है फाउंडेशन करवाना है, इतना एम क्यूब का फाउंडेशन करवाना है, जैसे हमें यहां पे फाउंडेशन करवाना है 10 एम क्यूब का, और मार्केट के अंदर एक एम क्यूब की रेट चल रही है 1000, तो क्या होगा, हमारी क्वांटिटी कितनी, 10 एम क्यूब, पर एम क्यूब की रेट कितनी, 1000, देन कैलकुलेटेड क्वांटिटी 10 एंड उसकी रेट कितनी, 1000, एंड 10 × 1000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज जो होगा उसका क्या होगा, पूरी फाउंडेशन की रेट होगी। उसको अगर फाउंडेशन को खुदवाना है आपको, तो इसका मतलब यह है कि आपको वहां पर 10,000 रुपए लगवाने पड़ेंगे। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारा एस्टिमेट क्या होता है और कॉस्टिंग क्या होता है। क्लियर? और एक बात का आपको और ध्यान देना है, ये जो हमारे पास में रेट निकल के आती है ना, ये एग्जैक्ट रेट नहीं होती है, ये अनुमानित होती है, प्रोबेबल कॉस्ट होती है। सो हम ये भी कह सकते हैं इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट। ओके, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट, ओके, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क और एग्जीक्यूशन By help of drawing, जो भी हमारे पास में drawing है उसके में पूरी डिटेल होती है कि जो भी हमें construction करवाना है, किसी भी construction को execute करवाना है, उसके अंदर क्या length है, क्या width है, क्या height है, उसके सारी dimensions हमें दे रखी होती है। तो उसकी जो है हमें calculate करना होता, determine करना होता quantity, quantity determine करने के बाद में हम find करते हैं cost, तो हमें वहां पर उस कंस्ट्रक्शन की जो है एक प्रोबेबल कॉस्ट मिल जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या है, क्या है, ठीक है, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्या है, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क और एग्जीक्यूशन बाय हेल्प ऑफ ड्रॉइंग। आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो आपको ध्यान देना है एस्टिमेट हमारे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या है, हमें एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाल के दे देती है, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले हमें एक प्रोबेबल कॉस्ट मिल जाती है कि हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है तो इतने रुपए लगेंगे, तो इतने रुपए हमारे पास है या नहीं तो ही हम इतना कंस्ट्रक्शन करवाएं, नहीं तो नहीं करवाएं। क्लियर? तो हमें एक प्रोबेबल कॉस्ट हमें यहां पर दे देता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एस्टिमेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, इतना पता चल गया हमें कि एस्टिमेट जो होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जो होता है, एक प्रोबेबल कॉस्ट होता है जो हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाने से पहले हमें वो कॉस्ट मिल जाती है, प्रोबेबल कॉस्ट उसको बोलते हैं। लेकिन एस्टिमेट क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, हमें क्यों करने की आवश्यकता है एस्टिमेट की, ठीक है, तो हम बोलेंगे पर्पस ऑफ एस्टिमेट, क्या पर्पस है एस्टिमेट निकालने का किसी भी कंस्ट्रक्शन का, इसे हम बोलेंगे ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, प्रोबेबल कॉस्ट निकालना, ठीक है, ठीक है, टू डिटरमाइन प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क और एग्जीक्यूशन, ये क्या है इसका पर्पज है, ठीक है, टू डिटरमाइन प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क और एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है या फिर फर्स्ट पर्पज है। दूसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है, मैं यहां पर 3 स्टार्स लगा देता हूं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है SSJEE का और RFM SSL की अकॉर्डिंग भी देखें तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड हमारा क्या कहता है, टू डिटरमाइन ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हमारा जो है ये कंस्ट्रक्शन करवाना है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना है या फिर ये रोड बनवाना है या फिर रेलवे लाइन बनवानी है या फिर ये केनाल बनवानी है या डैम बनवाना है, कुछ भी बनाना है, एनीथिंग, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, ये भी हम एस्टिमेट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन इसके अंदर लगने वाला है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एस्टिमेट का पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके, तो ड्यूरेशन भी पता लगा सकते हैं कि आज स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड के बाद में, टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब हमें ये कंस्ट्रक्शन करवाना है, इस कंस्ट्रक्शन के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना वाटर लगेगा, ये सब कुछ हमें वहां पर डिटरमाइन करना होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि इसका पर्पस है, टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स, जो भी हमें रिक्वायर्ड मटेरियल है, चाहे वो कुछ भी मटेरियल है, चाहे ईंट है, चाहे पत्थर है, चाहे चूना है, चाहे सीमेंट है, कुछ भी है, एनीथिंग, ठीक है, उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करना, ये भी क्या है, एक पर्पस है एस्टिमेट का। आगे बढ़ते हैं, टू डिटरमाइन नंबर्स ऑफ लेबर्स, भाई हमें कुछ काम करवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने के लिए और कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से चलाने के लिए और कंस्ट्रक्शन को एंड करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत होती है ना, बिना मैन पावर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हमारे हाथ काट दिए जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हमें वहां पर कितने आदमी चाहिए उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितने लेबर्स चाहिए, कितने मजदूर चाहिए, उनकी क्वांटिटी फाइंड करना, उनकी जो है नंबर्स फाइंड करना, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लेबर्स, ओके, ये भी क्या है, एक पर्पज है एस्टिमेट का। जब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स तो उसके अंदर हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि हमें ये काम करवाना है, हमें 10 m³ की ब्रिक मेजनरी करवानी है तो उसके अंदर कितना लेबर लगेगा, वो लेबर की क्वांटिटी फाइंड करना, नंबर्स फाइंड करना, ये भी क्या है, एक पर्पस है एस्टिमेट का या फिर ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट का। आगे पढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट आता है पर्पस, कंट्रोलिंग ऑन एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, तो वहां पर हमारा क्या एक्सपेंडिचर, उस पर कंट्रोल करना कि आज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 15 दिन बाद में इतना होना चाहिए, 30% कंप्लीट होना चाहिए, क्या 15 दिन बाद 30% कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आज इतना रुपया लगा 15 दिन बाद इतना रुपया लगना चाहिए, तो क्या 15 दिन बाद इतना लगा या नहीं लगा या ऐसे ज्यादा लगा तो क्यों लगा, तो ये सब कुछ कंट्रोल करना,
भाई ज्यादा क्यों लग गया, कि हमारा तो 15 दिन पे इतना कंस्ट्रक्शन पे रुपया लगना था, ठीक है, ज्यादा क्यों लगा, वो उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमने वहां पे कंट्रोल कर लिया, उस एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल कर लिया, तो हमारा कंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम पे जाके एकदम जो हमारा प्रोबेबल कॉस्ट हमने फाइंड करी थी वो कि वो वहां पर आने वाली है, अगर हमने उस एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं किया, प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं की, एज ए जयन एज ए आयन, हमारा इंजीनियर का दायित्व यही होता है कि हम प्रॉपर कंट्रोलिंग करें जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कंट्रोलिंग ऑन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो ये भी एक क्या है, पर्पज है एस्टिमेट का। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, टू इनवाइट टेंडर, अगर हमें कोई टेंडर इनवाइट करना है, ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट डिटरमाइन करते हैं, उसकी कॉस्टिंग डिटरमाइन करते हैं, फिर जो हमारे पोर्टल है जैसे फेमस पोर्टल SPPP या फिर EPROG जो हमारे राजस्थान में चलता है, SPPP EPROG इंडिया लेवल भी चलता है, ठीक है, तो उस पे टेंडर इनवाइट करना कि हमें ये इतना काम करवाना है, तो इस काम को करवाने के लिए इतना कॉस्ट हमारा, हमने डिसाइड कर रखा है कि इतने कॉस्ट ज्यादा हम नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, ओपन टेंडर कर सकते हैं, ठीक है, EPROG पे या फिर SPPP वेबसाइट पे, ठीक है, देन वहां से कुछ फर्म्स होती है वो बिड देती है हमें, जो लोवेस्ट होती है उसको हम कॉन्टैक्ट दे देते हैं कि आप हमारा ये जो है वो काम स्टार्ट कर दो, हम उसको वर्क ऑर्डर रिलीज कर देते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एस्टिमेट के थ्रू हम कोई टेंडर जो है वो फ्लोट कर सकते हैं, टू फ्लोट द टेंडर NIT, मैंने यहाँ पे लिखा है NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट हमारा आता है टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट रेंट, ओके, टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, अगर हमें किसी भी बिल्डिंग की रेंट पता करना है कि पर मंथ इसका इतना स्टैंडर्ड रेंट होगा, वो भी हम पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, ओके। सेल प्राइस, अगर हमें किसी मकान को बेचना है तो उसकी सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस ऑफ फ्लैट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन अगर फाइंड करना तो भी हम कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे टोटल ये इतने पर्पस थे एस्टीमेट निकालने के, ठीक है, पर्पस ऑफ एस्टीमेट या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टीमेट। आई होप आपको पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टीमेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक, अगर कोई दिक्कत है तो बैक जाके आप थोड़ी देर में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे एस्टीमेट कितने टाइप्स के होते हैं, इसी में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ता। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की, कि हमारे एस्टीमेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप होता है, देखिए, जैसे 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 अभी हम RSM डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं, हम जयन बन जाएंगे, ठीक है, जयन बन जाने के बाद में जैसे हम फर्स्ट काम मिलता है कि आप जाओ, जैसे हम बन गए PWD के अंदर जयन बन गए, और हमारे IN ने या एक्सी ने बोल गया, जयन साहब आप तो नए नए हो यहाँ पर, आप जाओ साइट पे और पता लगाओ कि यहां से यहां तक हमें इतना सेक्शन पे रोड बनाना है, क्या एस्टिमेट होगा, आप जाओगे यहाँ पे मेजरमेंट लोगे, हमने तो पढ़ रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, वहां पर जो है क्वांटिटी निकाल के आ जाएंगे, क्वांटिटी निकालने के बाद में फिर हम यहाँ पे आके इनसे पूछेंगे कि इतनी क्वांटिटी है सर, तो इसकी रेट क्या चल रही है पर मीटर लेंथ के अंदर, या फिर पर मीटर स्क्वायर में, पर एम क्यूब में, जो भी, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर पूरी की पूरी सेक्शन की, ठीक है, हमारे पास में जितने भी किलोमीटर हम सर्वे करके आए हैं उसकी हमें रेट मिल जाएगी, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नया वर्क स्टार्ट करवाना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट विजिट करते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि हमें ये काम करवाना है, तो इस काम को करवाने के लिए अंदाजन अप्रोक्सीमेट इतना कॉस्ट लगेगा, इतना एस्टिमेट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एस्टिमेट होता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स में से, वो एस्टिमेट होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्रारंभिक प्राकलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रारंभिक प्राकलन,
ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एस्टिमेट आता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ओके, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोला गया है। प्रिलिमिनरी प्रारंभिक प्राकलन को हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अनुमानित प्राकलन भी हम बोलते हैं, और इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम जाएंगे साइट पे जाएंगे, सबसे पहले हम पता नहीं है कहां से कहां तक कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो हम क्या करते हैं साइट पे जाते हैं, एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं, रफ मेजरमेंट ले लेते हैं कि इतना बाई इतना का प्लॉट है और इतना प्लॉट एरिया पे इतना रेट चल रहा है। तो हमने जो रफ एस्टिमेट निकाला, तो हमने डायमेंशन जो ली है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में एक रफ कॉस्ट आ जाएगी, तो इसे हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलेंगे, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक प्राकलन भी इसको बोलते हैं। तो ये तीनों चीज एक ही है, चाहे हम इसको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बोलो, चाहे हम इसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलें, चाहे इसको हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट बोलें, सारे के सारे एक ही चीज होती है यहाँ पर। क्लियर, तो ये फर्स्ट एस्टिमेट है, हमें अच्छे से पढ़ना है क्या होता है। और जब भी हमें कोई प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है, ठीक है, हायर ऑथोरिटी से हम उसकी सैंक्शन लेते हैं ना, कि हमें ये इतना किलोमीटर का रोड बनाना है तो हमें ये इतना जो है अनुमानित लागत लगेगा, तो हमें इसकी इसको सैंक्शन कर दो, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर दे काम। तो अगर हमें किसी भी काम की प्रशासनिक स्वीकृति लेनी है तो सबसे पहला जो एस्टिमेट होता है हमारा ये वाला होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या फिर रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी हम उसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, डिटेल से पढ़ते थोड़ी देर में। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट ये भी पढ़ेंगे डिटेल से। प्लिंथ एरिया भी क्या होता है, प्लिंथ एरिया के साथ साथ में हम सेटबैक एरिया, प्लॉट एरिया, ठीक है, सर्कुलेशन एरिया, बिल्टअप एरिया, ये सब कुछ हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। कोर्टयार्ड एरिया, प्लिंथ एरिया के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, ये सब कुछ डिटेल से एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं एमसीक्यू, उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड हमारा है क्यूबिक रेट एस्टिमेट। तो सबसे पहले हमारा देखिए सेकंड वाला क्या था, प्लिंथ एरिया, इसमें हम एरिया एस्टिमेट करते हैं और उस एरिया की पर्टिकुलर नाउडेज आज के समय के अंदर क्या रेट चल रही है उस एरिया की, उसे टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लिंथ एरिया से, तो हमारे पास टोटल एरिया के अकॉर्डिंग जो है कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड आता है हमारा क्यूबिक रेट एस्टिमेट। क्यूबिक रेट एस्टिमेट में क्या होता है कि हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी आइटम का, उस आइटम की क्या रेट चल रही है अभी आज के डेज में, ठीक है, उसकी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वहां पर टोटल एस्टिमेट वहां पे कॉस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक रेट एस्टिमेट। और आपको ये भी ध्यान देना है यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स कि क्यूबिक रेट एस्टिमेट जो होता है वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से मोर एक्यूरेट होता है। ओके, अब आता हमारा फोर्थ है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट इसमें क्या करते हैं ना, इसमें यूं करते हैं कि जैसे हमारे पास एक रूम है, उस रूम की हमें निकालनी होती है सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन निकाल ली, हम निकालनी आती तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें सीख जाएंगे अभी। तो सेंटर लाइन निकालने के बाद में पर मीटर लेंथ में क्या रेट चल रही है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल सेंट्रल लाइन को, तो हमारे पास में एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। क्लियर, समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात। फिर आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या आता है, डिटेल्ड एस्टिमेट सबसे अच्छा, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट रिलायबल वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। और डिटेल्ड एस्टिमेट को आइटम रेट एस्टिमेट भी बोला गया है, आइटम रेट एस्टिमेट भी इसको बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर हम हर एक आइटम की अलग अलग रेट निकालते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, रिलायबल मोस्ट एक्यूरेट, कौन सा, डिटेल्ड एस्टिमेट कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं डिटेल। ठीक है, फिर आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट को हम
डिटेल एस्टीमेट भी बोलते हैं, क्यों किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी ही देर के अंदर। सभी के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, फिर आता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री। हर एक एस्टीमेट एक दूसरे से लिंक्ड है आगे, ठीक है, हर एक एस्टीमेट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, फिर आता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, फिर लास्ट आता है एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट, ठीक है। जब भी हम कोई रोड वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है, तो बारिश का पानी आने के बाद में या फिर इंपैक्ट लोडिंग के कारण, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं, और जब छोटा सा गड्ढा पड़ गया तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद में तो धीरे धीरे वो गड्ढा बड़ा होता चला जाता है। तुम क्या करते हैं उसको पैचिंग वगैरह करा के एकदम साल में एक दो बार क्या करते हैं ठीक करवा देते हैं, ठीक है। जब हम इंजीनियर बन जाएंगे तो हमें काम करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं साल में एक दो बार करवा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेंटेनेंस करते हैं ना रोड को या किसी भी बिल्डिंग को, तो उसे बोलते हैं एनुअल रिपेयर करना, ठीक है, एनुअल रिपेयर या फिर एनुअल उसको मेंटेन रखना, एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट भी इसको बोलते हैं। ए आर रहमान ना, ए आर और मतलब ए एम, ठीक है, इसको बोला गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करी थी हमने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट क्या था, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट भी बोलते हैं और रफ कोर्स एस्टीमेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे सारे सारे एस्टीमेट्स को और क्या क्या इसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्लियर। सो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या फिर रफ कोस्ट एस्टीमेट क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस एस्टीमेट डिटेल्ड ड्रॉइंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एज ए जयन एज ए आयन हम साइट पे जाएंगे, साइट तो अभी तो बहुत ही बंजर पड़ी है, वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है ना, हमारे पास अभी तो ड्रॉइंग भी नहीं आई है, तो विदाउट ड्रॉइंग अगर हमें रफ कोस्ट एस्टीमेट चाहिए तो वो इससे मिलता है हमें, इसे बोलते हैं रफ कोस्ट एस्टीमेट या फिर प्रारंभिक प्राकलन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या फिर अनुमानित प्राकलन, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट भी बोलते हैं इसको, क्लियर। तो यहां पे लिखा है इन दिस एस्टीमेट डिटेल ड्रॉइंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो हमें डिटेल ड्रॉइंग की कोई जरूरत नहीं है, रफ ड्रॉइंग चल जाती है इसके अंदर, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, किस पे बेस्ड है, जैसे हम चयन बनेंगे थोड़े टाइम बाद में एक दो साल के अंदर हमें एक अच्छा खासा जो है वो अनुभव हो जाएगा सिविल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, तो हम कोई भी काम आसानी से फिर बाद में बिना किसी जो है झिझक के करवा सकते हैं, हमें पता होता है कि ये काम करवाना है कि हाँ इतना हमने करवाया था अब इतना आ गया, तो पहले इतना रुपया लगा था अब इतना काम बढ़ गया तो इतना रुपया और लग जाएगा, है कि नहीं, अनुभव से क्या नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, जब हम कुछ काम करवाएंगे जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी तो प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है हम निकाल लेंगे प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, कितना काम करवाना, इतना मीटर लंबी रोड बनानी, इतना किलोमीटर लंबी रोड बनानी है, तो भाई साहब इसकी इतनी चौड़ाई है, इसमें इतना मीटर लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, फटाफट से हम कैलकुलेट करके दे देते हैं, बस यही है। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, जो भी हमने पहले सिमिलर वर्क कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम निकाल के दे देते हैं कि भाई साहब इतना काम करवाना है तो इतना रुपया लगेगा, बस खत्म कहानी वहीं पे। और फिर देखिए मैंने कहा था प्रशासनिक स्वीकृति आपको लेने किसी भी काम को करवाने के लिए, तो हमें यहां पर रफ कोस्ट एस्टीमेट जो है निकालना पड़ेगा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन, यहां पर थोड़ा हिंदी में लिखा था, ये पता नहीं क्या हो गया यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने लिखा था प्रशासनिक स्वीकृति है ना, यहां लिखा था प्रशासनिक स्वीकृति, हिंदी में लिखा था तो फोन से वैसे हो गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें किसी भी एस्टीमेट की अगर हमें प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए हायर ऑथोरिटी से तो हम ये एस्टीमेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है हमारा सेकंड एस्टीमेट, ठीक है, वो पहले वाले वापस जाते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगर हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन की अगर हमें प्रशासनिक स्वीकृति लेनी है हायर ऑथोरिटी से परमिशन लेनी है तो वो कौन सा एस्टीमेट होता है, ये होता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बोलते हैं या फिर हम इसको रफ कोर्स एस्टीमेट भी बोलते हैं, समझ में आ गया।
ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन या फिर प्रशासनिक स्वीकृति लेनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एस्टीमेट कौन सा होता है, वो होता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है, भले टाइम लगता। अब पहले बात आई है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट की, तो प्लिंथ एरिया क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, समझना जरूरी है, फिर पढ़ेंगे प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लिंथ एरिया होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, तो दो मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ये आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, ये अपना कोई प्लॉट है, ठीक है, ये अपना कोई प्लॉट है, समझ में आ गया ना। तो इस प्लॉट के अंदर हमें इतना कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, इतना इतना एरिया के अंदर जो है हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, इतने एरिया में बिल्डिंग बनानी है। तो इस बिल्डिंग का जो जो भी हमें ये चारों की तरफ जो दीवार बनेगी, ठीक है, ठीक है, इस बिल्डिंग को बनाकर हम दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगे ना फाउंडेशन के बाद में। तो इन दीवारों का आउटर डायमेंशन जो होता है, जो हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन होता है, ठीक है, एंड टू एंड, तो उन डायमेंशन का जो एरिया हमारे पास में आता है, जैसे इसका यहां से लेके यहां तक है ना, इसका इस आउटर वॉल से इस आउटर वॉल तक का लेंथ जो भी है, इस आउटर वॉल से इस आउटर वॉल तक की विड्थ जो भी आई, ठीक है, तो ये जो L इंटू बी होगा, ये हमारा क्या होगा, प्लिंथ एरिया होगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास में, देखिए इतना बड़ा जो मैंने रेड में बनाया है, ये हमारा प्लॉट है, इस प्लॉट के बीचों बीच हमने क्या बना लिया, हमारा बिल्डिंग बना दिया। इस बिल्डिंग में जो वॉल्स है, इस वॉल की एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है, जो भी हमारे पास में आई एल और बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास में आएगा प्लिंथ एरिया, ठीक है, ये प्लिंथ एरिया हमारे पास में आ गया, टोटल प्लिंथ एरिया हमारे पास में आ गया। तो एक मीटर स्क्वायर के अंदर क्या रेट पर्टिकुलर अभी चल रही है, एक स्क्वायर मीटर में क्या रेट चल रही है नाउअडेज, ठीक है, उसको टोटल प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास में आ जाएगा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्लियर। तो ये हमारे पास में क्या, एक प्लिंथ एरिया है जो आउटर डायमेंशन होती है, एक्सटर्नल डायमेंशन होती है किसी भी बिल्डिंग की, ठीक है, किसी भी वॉल की एक्सटर्नल डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं एल इनटू बी, तो हमारे पास में आएगा प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया में आपको ये ध्यान देना है कि प्लिंथ एरिया के अंदर जो हमारा कोर्ट यार्ड होता है ना, ठीक है, जो घर के बीच के अंदर खाली जगह होती है ना, वो इंक्लूड नहीं करते, या फिर घर के बाहर जो जो हमारा वो होता है पोर्च है ना, तो पोर्च के नीचे अगर कॉलम लगे हैं तो काउंट होगा, अगर कॉलम नहीं लगे हैं, कैंटिलीवर्ड है तो वो काउंट नहीं होगा। ये पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, जब प्लिंथ एरिया, बिल्टअप एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बात और यहां पर कि जो बाकी बचा, ये तो प्लॉट एरिया है, ये हमारा प्लिंथ एरिया हो गया, तो प्लॉट एरिया माइनस प्लिंथ एरिया जो बचेगा, ये हमारा जो ये जो एरिया जो मैंने ग्रीन बना रखा है, ये ग्रीन पोर्शन जो हमारा होगा, जहां पर हम कुछ लगा सकते हैं, ग्रीन वगैरह घास वगैरह लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं सेटबैक एरिया। क्या बोलते हैं? सेटबैक एरिया बोलते हैं। तो ये सब कुछ एरिया वगैरह हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी हम एस्टिमेट पढ़ रहे हैं तो इसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया हमारा ये है एल इंटू बी, तो जो भी हमारे पास प्लिंथ एरिया आया है, तो पर स्क्वायर मीटर के अंदर इस प्लिंथ एरिया की क्या रेट चल रही है, उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में जो है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकल के आ जाएगा, क्लियर। चलिए बहुत ही अच्छी बात, आगे नेक्स्ट आता है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के बाद में क्यूब एरिया या फिर क्यूबिक रेट एस्टीमेट। क्या आता है? क्यूबिक रेट एस्टीमेट। एरिया के अंदर क्या था? लेंथ इनटू विड्थ था, लेकिन अब यहां पे क्यूब की बात आ रही है, तो क्यूब की बात आ रही है तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। लेंथ इनटू विड्थ इनटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो जो भी हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट जो भी हमारे पास में है, वो उसकी इस क्वांटिटी की पर क्यूबिक मीटर में क्या रेट चल रही है करंट में, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी रेट को, तो हमारे पास में जो है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसकी रेट
पर क्यूबिक मीटर के अंदर, तो हमारे पास में जो एस्टिमेट आएगा वो आएगा क्यूबिक रेट एस्टिमेट आएगा। आ गया समझ में? ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि जो ये जो क्यूबिक रेट एस्टिमेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया में ओनली लेंथ और विड्थ आते हैं, लेकिन क्यूबिक रेट एस्टिमेट के अंदर लेंथ विड्थ के साथ में इसकी हाइट भी आती है। इसका मतलब ये हो गया, हाइट साथ में इंक्लूड हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारा क्यूबिक रेट एस्टिमेट है जो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से है वो ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा प्रिसाइज है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट, आगे हमारा एस्टिमेट कौन सा आता है? वो आता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट पर इसमें ये होता है, जैसे हमारे पास में कोई रूम है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई स्क्वायर रूम है और इस रूम की ये दीवारें हैं, इस रूम की ये दीवारें हैं, ठीक है, इस रूम की ये दीवारें आ गई हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो रूम है इसकी हम सेंट्रल लाइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेंट्रल लाइन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक दीवार है, इस दीवार की सेंट्रल लाइन क्या हो गई? ये हो गई, ठीक है। इस दीवार की सेंट्रल लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई। इस दीवार की सेंट्रल लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई, ठीक है। और इस दीवार की सेंट्रल लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई। तो हमने क्या किया, हर एक दीवार की, हर एक वॉल की सेंट्रल लाइन बना दी। अब हमें करना क्या है, हमें पढ़ना है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। हमें किसी भी क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकालनी है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकालनी है तो हमें क्या करना है यहां पर। अब जो भी हमारे पास में रूम है, जो भी इस रूम की दीवारें हैं, इस दीवारों की सेंट्रल लाइन हमने बना दी अभी, ठीक है। तो जहां पर एक सेंट्रल लाइन दूसरी सेंट्रल लाइन से क्रॉस हो रही है, यहां पे क्रॉस हुई, एक यहां पर क्रॉस हुई, एक यहां पर क्रॉस हुई, एक यहां पर क्रॉस हुई, ठीक है। तो अब इस क्रॉसिंग पॉइंट से लेकर इस क्रॉसिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस, फिर इस क्रॉसिंग पॉइंट से इस क्रॉसिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस, फिर इससे यहां तक की, इससे यहां तक की डिस्टेंस, इन सभी लेंथ को मेजर करना है। ये जो लेंथ हमारे पास में निकल के आएगी ये अब होगी इस रूम की, इस पर्टिकुलर इस रूम की सेंट्रल लाइन होगी। तो इस सेंट्रल लाइन को, ये हमारे पास में जो सेंट्रल लाइन आएगी, ये आएगी टोटल सेंट्रल लाइन ऑफ वॉल्स। और पर मीटर में क्या रेट चल रही है, पर मीटर में क्या रेट चल रही है अभी इस दिनों में, उसे गुणा कर देंगे उसकी रेट से पर मीटर लेंथ को। तो हमारे पास में जो है इस रूम की जो है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड के अकॉर्डिंग एस्टिमेट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई हम एस्टिमेट निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एस्टिमेट आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही एक्यूरेट जो हमारा होता है वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट या फिर आइटम रेट एस्टिमेट। क्लियर? सो मैंने यहां पे लिखा भी है, यहां पे लिखा है, देखिए आप क्या लिखा है, पढ़िए एक बार जल्दी से, पढ़िए क्या लिखा है मैंने यहां पर, फर्स्ट लाइन क्या लिखी है पढ़िए, लिखा है यहां पर इट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ ऑल आइटम्स। ओके, ध्यान रखना जिंदगी जिंदगी भर के लिए। डिटेल एस्टिमेट क्या होता है? एक बेचारा एक्यूरेट एस्टिमेट या फिर रिलायबल एस्टिमेट होता है सारे आइटम्स का। क्लियर? मैं यहां पर 3 स्टार नहीं, यहां पर 5 स्टार्स लगाना चाहूंगा, आप भी लगा लेना आपकी नोटबुक के अंदर। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जेई का तो रिपीटेड क्वेश्चन है ही, और आरएसएम डब्ल्यूएसएसबी का, हमारा जेईई डिप्लोमा का भी क्वेश्चन हो सकता है ये। तो ध्यान से पढ़ना भाई,
एक्यूरेट और रिलायबल एस्टिमेट हम किसको बोलेंगे, तो हमारा डिटेल एस्टिमेट है या फिर आइटम रेट एस्टिमेट है। फाइव स्टार लगा दिए मैंने, कान खोल के सुन लो, ठीक है। सेकंड हम ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर हम हर एक आइटम की अलग अलग क्वांटिटी फाइंड करते हैं, हम हर एक आइटम की अलग अलग क्वांटिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। फिर हम इसकी जो भी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। और अब थोड़ा सा यहां पर हमें ध्यान देना है कि जो भी हमें अगर कुछ काम करवाना है ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना है, बिल्डिंग का हो गया, रोड का हो गया, रेलवे का हो गया, नहर बनवानी है, कुछ भी बनवाना है, पाइपलाइन बिछवानी है, ठीक है, तो वैसा कुछ फुटकर खर्च भी तो होगा ना, चाय पानी का कुछ है ना, उसे बोलते हैं कंटिंजेंसी। क्या बोलता है? कंटिंजेंसी। तो जो फुटकर खर्च होता है ना, फालतू के खर्चे होते हैं ना, तो वो फालतू के खर्चों के लिए जो है ना 3% दिया जाता है। जैसे 1 करोड़ का काम है तो 1 करोड़ के काम में 3% जो कॉस्ट आती है ना, वो फालतू फुटकर खर्च के लिए अलग से हो जाती है। लेकिन ये किसी भी सब हेड या फिर हेड के अंदर से नहीं निकल जाती, ये अलग से प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे 1 करोड़ का काम करवाना है आपको, तो उस 1 करोड़ में से आप नहीं दोगे 3%, अलग से 3 लाख रुपए, 1 करोड़ का 3% 3 लाख रुपए वो अलग से आपको सेंक्शन होगा उस फुटकर खर्च को संभालने के लिए। ये 3% होता है, ठीक है, आगे समझ में। तो 3% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एडेड टू अलाउ फॉर कंटिंजेंसी या फिर फुटकर वे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है लाइन, मैंने यहां पे लिखा है फुटकर, कंटिंजेंसी को बोलते हैं फुटकर। कितना होता है? 3% होता है भाई, 3% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टोटल, ठीक है। 3% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एडेड टू अलाउ फॉर कंटिंजेंसी या फिर फुटकर वेयर, ओके। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, 1.5% से लेके 2% तक क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है 1.5 से 2% क्या होता है, कि जो भी हम काम करवा रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो दिन में कराएंगे, रात में बंद रहेगा, तो रात में बंद रहेगा तो वहां पे हमारे सीमेंट्स के बैग्स पड़े हैं, ईंटें पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, सरिया पड़ा है, तो उन सबका ध्यान कौन रखेगा भाई? कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा ना, चौकीदार। तो वो चौकीदार को रखने के लिए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का लेखा चोखा करने के लिए जो मुंशी वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए, उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो उसे बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। क्या बोलते हैं? वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए 2% लगभग जो है वो रखा जाता है, और ये भी किसी हेड या फिर सब हेड में से नहीं लिया जाता, ये अलग से सेंक्शन होता है। 1 करोड़ का 2% मतलब 2 लाख रुपए किसके लिए? वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मुंशी को रखना हो गया, ठीक है, चौकीदार वगैरह को रखना हो गया ध्यान रखने के लिए। तो ये सब कुछ होता है वर्क चार्ज्ड एस्टैब्लिशमेंट, 1.5% से लेकर 2% तक होता है। तो एक तो हो गया हमारा 3% तो हो गया कंटिन्यूअसली फुटकर वे, एक हमारा 1.5 से 2% हो गया, मैं इसको 1.5 नहीं लूंगा 2 ही लूंगा मैक्सिमम, तो कितना हो गया 3+2 5% हो गया। तो 5% कॉस्ट मतलब 3 से लेके 5% तक कॉस्ट होता है वो कंटिंजेंसी प्लस वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट का होता है। तो दोनों का मिला के अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम के अंदर, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट और कंटिंजेंसी के लिए कितना जो है वो परसेंट जो है वो अलाउ होता है, तो होता है 3 से लेके 5% तक होता है, ठीक है। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना होता है? 1.5 से 2% होता है, ठीक है। और फुटकर वे के लिए कंटिन्यूसी के लिए कितना होता है? 3% होता है मैक्सिमम, तो आपको ध्यान, दोनों का मिला के 3 से 5% होता है, आ गया समझ में। तो ये सब कुछ आता है डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर, मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट एस्टिमेट। आगे बढ़ना, कौन सा एस्टिमेट आता है आगे? तो नेक्स्ट हमारा आता है रिवाइज एस्टिमेट, या इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड
डिटेल्ड एस्टिमेट। तो क्या कह रहा है, इफ सैंक्शनड और एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज 5 or more than 5% फ्रॉम एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, इफ सैंक्शनड और एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज 5 or more than 5% फ्रॉम एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, जो भी हमारी सैंक्शन कॉस्ट है कि आपको ये काम करवाना है, ये बिल्डिंग बनवाना है, आपको 1 crore rupees दे दिया, इस बिल्डिंग को बनाने में 1 crore की सैंक्शन आपको मिल गई, ठीक है, अगर उस 1 crore रेट की अगर रेट जो है 5% या उससे ज्यादा बढ़ जाती है, 5% से भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर भाई साहब आपको एज ए इंजीनियर आपको एस्टिमेट रिवाइज करना पड़ेगा, समझ में आएगा ना, तो उसे बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट या फिर आल्सो कॉल्ड डिटेल्ड एस्टिमेट। रिवाइज कब होगा भाई, 5% ज्यादा क्यों लग रहा है, किसी न किसी आइटम में कुछ न कुछ हमने कुछ गड़बड़ी करी है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस हर एक आइटम को वापस कैलकुलेट करेंगे, वहां पर रिवाइज्ड करेंगे उसको, ठीक है, कितना कब करेंगे, जब एक्चुअल कॉस्ट की जो हमें सैंक्शन अमाउंट जो है, जो एक्चुअल कॉस्ट या फिर सैंक्शन कॉस्ट है वो अगर 5% या उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है, तब, इससे कम नहीं। तो यहां पे लिखा भी है इफ सैंक्शनड और एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज्ड 5 or more than 5% फ्रॉम एस्टिमेटेड कॉस्ट, देन रिवाइज एस्टिमेट आपको करना पड़ेगा, एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट एस्टिमेट, इसके ऊपर एमसीक्यू भी है। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, वापस बनाओ कोई एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है भाई, क्या कह रहा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको कोई पहले से जो काम आपको ड्राइंग में दे रखा है उस ड्राइंग के अलावा कुछ और इसके अंदर ऐड करना है, आपको कुछ और वर्क जो है आपको ऐड करना है, तो होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। पहले तो आपने एक्यूरेट एस्टिमेट बना दिया जो पहले अकॉर्डिंग टू ड्राइंग था, ठीक है, उसके अंदर बोला कि हमें ये एक चीज और ऐड करवानी है, पहले 10 कमरे थे 2 कमरे और करवाने हैं, तो क्या करेंगे, तो करेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो एडिशनल वर्क जो होता है उसके लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट किया जाता है, मतलब भविष्य के अंदर फर्दर डेवलपमेंट जो करवाना है आपको, फर्दर डेवलपमेंट जो आपको करवाना है वो कराते हैं। पहले हमने ड्राइंग बना दी, उसके अंदर जैसे कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां थी भाई छत पे जाने के लिए, या फिर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट नहीं थी, एस्टिमेट बना लिया हमें बिना लिफ्ट का, फिर भाई साहब किसी ने राय दे दी कि इसमें तो यार लिफ्ट ही नहीं है, वो तो ऐसे आते हैं ज्ञान देने वाले, लिफ्ट लगाओ भाई, जो विकलांग होंगे कैसे ऊपर जाएंगे, तो वहां पे लिफ्ट लगाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, तब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया जाता है। तो फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए लिफ्ट लगाना हो गया, एसी लगाना हो गया, विकलांगों के लिए रैंप बनाना हो गया, तो जो भी आपको फर्दर डेवलपमेंट करने हैं उसके लिए आपको एस्टिमेट जो है वो सप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमने यहां पे लिखा भी है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, व्हेन एडिशनल वर्क, क्या बोला था मैंने, व्हेन एडिशनल वर्क इंक्लूड इन ओरिजिनल वर्क, है ना, फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क, लाइक लिफ्ट हो गया, एसी हो गया, पलाना टीम का जो भी हो गया आगे एड करवाना है, तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। आ गया समझ में। नेक्स्ट एस्टिमेट हमारे पास में देखते हैं कौन सा है, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, दोनों का कॉम्बिनेशन, रिवाइज का और सप्लीमेंट्री दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, व्हेन वर्क इज अबैंडॉन्ड और डिजाइन चेंज्ड एंड 95% वर्क इज कंप्लीटेड, जब कोई कंस्ट्रक्शन जो है 95% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उस टाइम हमें कोई डिजाइन में चेंज करना है, तब वो जो एस्टिमेट होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रिवाइज का और सप्लीमेंट्री का, तो वो जो एस्टिमेट होता है वो होता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, 95% वर्क कंप्लीशन के बाद। नेक्स्ट
लास्ट एस्टिमेट एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट, AR और AM एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये कितना होता है पूरी कैपिटल कॉस्ट का? पूरी कैपिटल कॉस्ट का ओनली 2.5% होता है, कंटिंजेंसी का 0.5% कम। कंटिंजेंसी कितना होता है? 3 होता है ना, पुटकल का 3 होता है। तो एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस का पूरे कैपिटल कॉस्ट का 2.5% होता है, ठीक है। तो 2.5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या करवाते हैं एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस के अंदर, क्या क्या मतलब वार्षिक, है ना, साल में एक बार, ठीक है। वाइट वॉशिंग कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं? वाइट वॉशिंग करवाते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग हो गया, ठीक है, कलर वॉशिंग हो गया, कलर करवाएंगे। भाई घरों में होली दिवाली पे जो है हम कलर वगैरह करवाते हैं ना, ठीक है, तो उसका 2.5%। पेंटिंग हो गया, पेंटिंग करवाते हैं, रोड पे पैचिंग वगैरह कराएंगे, या फिर कोई डैम हो गया, कोई ब्रिज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी पैचिंग वगैरह करवाते हैं ना, तो पैचिंग करवाते हैं। माइनर रिपेयर जो भी है वो भी करवाते हैं, जो भी माइनर रिपेयर वगैरह होते हैं उनके लिए जो एस्टिमेट होता है वो एनुअल रिपेयर या फिर एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो ये होता है 2.5%, कितना? 2.5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, ध्यान रखना 2.5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। आगे क्या लिखा है देखिए, फॉर रोड वर्क्स, सड़क बनवाने के लिए, सड़क कार्य के लिए एनुअल रिपेयर एस्टिमेट ही प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सड़क निर्माण के लिए एनुअल रिपेयर एस्टिमेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। रोड वर्क के लिए एनुअल रिपेयर एस्टिमेट होता है। फॉर पैचिंग रिन्यूएबल रिपेयर ऑफ ब्रिज कलवर्ट्स एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट कब प्रोवाइड करवाया जाता है? पैचिंग के लिए, रिन्यूएबल, रिपेयर ऑफ ब्रिज कलवर्ट, इन सब के लिए एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं। थोड़ा ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, फिर भी आप यहां पर इन दोनों लाइंस को ध्यान में देना। तो यहां तक हमने सारे के सारे जो एस्टिमेट्स है उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं ये सब कुछ एस्टिमेट पढ़ने के बाद में, एस्टिमेट कॉस्टिंग पढ़ने के बाद में, आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा आउटपुट क्या है, कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या सीखा, इस एक घंटे के अंदर हमने क्या सीखा, हम कहां तक है, कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं MCQs, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्या आउटपुट हम इससे निकाल सकते हैं कि हमने इस लेक्चर से क्या सीखा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट, जब भी हम कोई डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो हमें मेन फैक्टर क्या माइंड में रखना है, क्या रखना है? क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स, बताइए क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स, ये ध्यान में रखते हैं क्या क्वांटिटी है मटेरियल्स की, मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है, या फिर मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आसानी से मिल सकता है या नहीं है, और उस मटेरियल को मार्केट से साइड पे लाने में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं, बहुत ही बड़ी बात। ये सब कुछ वहां पर हमें मेन फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन है ऑल दी अबो। तो ध्यान रखना हमेशा द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टिमेट इज, वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, यस, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स, ऑब्वियसली यस, इसका मतलब ये है तीनों सही है। इसका मतलब ये क्या है? डी ऑल दी अबो इसका ऑप्शन एक्यूरेट है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा बेचारा हमारा रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, क्या कह रहा है ये कह रहा है मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, है ना, मैंने बार बार बोला था
कि मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कौन सा होता है, कौन सा होता है? सबसे पहले है डिटेल्ड एस्टिमेट, यही तो होता है हमारा मोस्ट रिलायबल या फिर मोस्ट एक्यूरेट, है ना। फिर कह रहा है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तो हमें अगर प्रशासनिक स्वीकृति लेनी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन अगर हमें लेनी है किसी भी कंस्ट्रक्शन को चालू करवाने के लिए, तब जो है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या फिर रफ कॉस्ट एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जिसे हम बोलते हैं वो करवाया जाता है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ये भी नहीं। क्यूब रेट एस्टिमेट, ये भी नहीं। तो जो मोस्ट रिलायबल या फिर मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, क्लियर। और मैंने यहाँ पर वहाँ पर जो है 5 स्टार्स लगा दिए थे, तो आपको भी यहाँ पर आपकी नोटबुक के अंदर 5 स्टार लगा देने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो लेक्चर के बाद में एमसीक्यू कराने बहुत जरूरी है, इसे पता लगता है कि हमने क्या सीखा, हमारा क्या आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ISI मेथड ऑफ मेजरमेंट्स द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज, ओके, यहां पर क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब आयतन की बात होती है, ठीक है। आप जाओ क्यूबिक रेट एस्टिमेट पे, मैंने यहां पे क्या लिखा था, L इंटू बी इंटू एच। मैंने B इंटू एच इंटू एल क्यों नहीं लिखा, मैंने एच इंटू एल इंटू बी क्यों नहीं लिखा, मैंने वहां पे लिखा था L इंटू बी इंटू एच। L मतलब लेंथ, B इंटू बी मतलब विड्थ एंड H मतलब हाइट। तो जब भी हम कोई क्वांटिटी निकालते हैं तो उसकी जो सिक्वेंस होती है वो होती है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है। तो यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ISI मेथड ऑफ द मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज, ये कह रहा है लेंथ, लेंथ पहले पे आती है, विड्थ सेकंड पे आती है, हाइट थर्ड पे आती है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी, सारे ऑप्शन आपको देखने हैं, ऐसे नहीं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन सही लग गया और उस पर क्लिक कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, सारे ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर तो हम कंफर्म यही है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। सॉरी, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, विड्थ, विड्थ तो भाई सेकंड पे आता है, लेंथ फर्स्ट पे आता है, हाइट थर्ड पे आती, तो ये 2 1 3 हो गया, इसकी सीक्वेंस सही नहीं है। हाइट थर्ड पे आती, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, लेंथ 1 पे आती है, विड्थ 2 पे आती है, तो ये 3 1 2 हो गया। तो इसका मतलब सी और बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, और डी नन ऑफ दीज, ये तो है ही नहीं। उसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। तो जब भी हम कोई वॉल्यूम निकालते हैं वो उसकी जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है, एल बी एच होती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये वही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसी का एक और ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन वापस कर लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट। जब भी डिटेल एस्टिमेट प्रोवाइड करवाते हैं, करते हैं, तो वहां पर हमें क्या मेन फैक्टर को ध्यान में देना होता है। मैंने बताया था आपको वहां पर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, ये था वहां पे ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल वहां पे था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल ये भी वहां पर था। एक ऑप्शन यहां पे नया ऐड और हो गया, वो है लोकेशन ऑफ साइट एंड लोकल लेबर चार्ज। साइट की लोकेशन क्या है, जो हमें सामान, जो हमें मटेरियल चाहिए वो मार्केट में है, तो वो साइट उस मार्केट से कितनी दूर है, या फिर उसकी लोकेशन क्या, आसपास पानी वगैरह है या नहीं है, ये सब कुछ साइट पे भी डिपेंड करता है। साइट राइज में है, फॉल में है, इस पर भी डिपेंड करता है, इसकी फिर इसकी रेट पे डिपेंड करेगा, रेट ज़्यादा आ जाएगी फिर, दूर है तो, राइज में है तो, फॉल में है तो, काफ़ी दिक्कतें आती हैं हमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन ये कह रहा है, 3 ऑप्शन पहले थे हमारे पास, डी ये कह रहा है लोकेशन ऑफ साइट, बिल्कुल सही है, एंड लोकल लेबर चार्ज, जो लोकल लेबर्स है उस गांव के, उस शहर के, उसके चार्जेस क्या है, कहीं महंगे तो नहीं मिल रहे हैं, सोचने की बात है यहां पर, तो उसको भी सोचना पड़ता है। ये सारे जो फैक्टर्स है इससे हमें ध्यान में देना होता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया इसका, ऑल दी अबो, सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसका मतलब जो है ये हमारा ई ऑप्शन जो है वो सही है, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर, ये सारे के सारे फैक्टर आपको वहां पर एज ए इंजीनियर वहां पे
कंसिडर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, आई थिंक आपको कि यहां पर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहां पे पढ़ के सुना देता हूं। चलिए आपको अब दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द प्लिंथ एरिया मेथड, क्या प्लिंथ एरिया मेथड के अंदर क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता, प्लिंथ एरिया को उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पर मीटर स्क्वायर के अंदर, क्या रेट चल रही है उस टोटल प्लिंथ एरिया को उसकी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आता है। ये था तो यही कह रहा है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इन द प्लिंथ एरिया मेथड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, तो प्लिंथ एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है प्लिंथ लेंथ इंटू रेट, प्लिंथ लेंथ की तो बात ही नहीं आती, रेट तो आता है लेकिन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके एरिया से, प्लिंथ एरिया से, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है प्लिंथ विड्थ, प्लिंथ की विड्थ एंड उसकी रेट, ये भी नहीं है, प्लिंथ की विड्थ को रेट से मल्टीप्लाई नहीं करते हम, प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी रेट से, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया की रेट, बिल्कुल सही है, प्लिंथ एरिया और प्लिंथ एरिया की रेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। अब डी क्या कह रहा है, डी ये कह रहा है प्लिंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम की तो बात ही नहीं आती यार प्लिंथ एरिया में, तो उसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सी ऑप्शन जो है प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया रेट, ये इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है एस्टिमेट का, सबसे पहले बात आती है बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट, ऐसा कोई एस्टिमेट हमने पढ़ा भी नहीं है, नया नाम आ गया हमारे सामने, कोई एस्टिमेट होता भी नहीं है, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट कोई एस्टिमेट नहीं है, ऐसे ही नाम डाल दिया होगा भाई, तो कोई छोड़ दो इसको, ठीक है, तो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट तो हमारा कोई एस्टिमेट ही नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट तो मोस्ट एक्यूरेट है नहीं, प्लिंथ एरिया से भी मोस्ट एक्यूरेट हमारा क्यू बेस्ड एस्टिमेट है कि नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट होता है डिटेल एस्टिमेट होता है। डी ऑप्शन है लास्ट क्यूब रेट एस्टिमेट, तो क्यूब रेट एस्टिमेट जो होता है प्लिंथ एरिया से मोर एक्यूरेट होता है और डिटेल एस्टिमेट जो होता है क्यूब रेट से बहुत जो होता है वो सही होता है, एक्यूरेट होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सी ऑप्शन जो है डिटेल एस्टिमेट जो है वो क्या होता है मोस्ट एक्यूरेट होता है। आई होप आपको समझना, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप ही को कमेंट करके देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये एस्टिमेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस्टिमेट क्या होता है, एन एस्टिमेट इज क्या, एस्टिमेट क्या है, अगर आपने ये लेक्चर ये वीडियो लेक्चर अच्छे से पढ़ा तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एस्टिमेट क्या होता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है, कमेंट करना है कि जो एस्टिमेट होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन आपके सामने है कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल्स, मुझे भी नहीं पता क्या है इसका, आपको कमेंट करके बताना है। बी ऑप्शन है रेंडम गेस ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, पता हो सकता है या नहीं हो सकता, देख लेना आप, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन भी हो सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब आपको बताना कमेंट करके एन एस्टिमेट इज क्या है एस्टिमेट, ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको वहां पे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो आज जो हमने है एस्टिमेट के बारे में एक यूनिट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, हम टोटल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को पर डे पर यूनिट लेक्चर के अकॉर्डिंग
कम से कम 12 लेक्चर्स के अंदर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक कर दें, ठीक है। और आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा ग्लोसरी ऑफ जो हमारा टेक्निकल टर्म्स है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।